हरियाणा के सिरसा जिला से संजीव भारद्वाज जी का प्रश्न है, शिव पूजन और शयन से संबंधित। वे कह रहे हैं कि रात्रि में मंदिर में देव शयन के समय शिवलिंग पर किया श्रृंगार उनसे विलग करना चाहिए या श्रृंगार सहित शयन निवेदन करना श्रेयस्कर है? शास्त्र प्रमाण की भी कृपा करें। पूछ रहे हैं कि भगवान शंकर का जो रात्रि में विशेष श्रृंगार किया जाता है सायंकाल प्रदोष में, तो जब शयन कराएं तो वो वस्त्र आदि मुकुट किरीट वो लगा रहे या हटा देवें? देखिएगा, इस पर विचार करें। हमारे यहाँ ये मूल सिद्धांत है कि यथा देहे तथा देवे, जैसा व्यवहार हम अपने शरीर के लिए करते हैं वैसा ही देव मूर्ति में देवता के लिए करना चाहिए, ये स्पष्ट है। और इससे ये भी है कि वो हम उनको समर्पित करेंगे वो हमें प्राप्त होगा, दोनों ही रूपों में देखें। जैसे बिंब प्रतिबिंब बतलाया गया है, हमारा जो बिंब है मूल है वो ईश्वर है, भगवान है, हम उनके जो है प्रतिबिंब हैं। बिंब एक है, प्रतिबिंब अनेक हो सकते हैं। सूर्य का जो है बिंब एक है और अनेकों घड़ों में वो अलग अलग दिखाई देते हैं, तो प्रतिबिंब तो अनेक होते हैं। जीव अनेक एक श्रीकंता। तो यदि कोई व्यक्ति शीशे के सामने खड़ा है और वो चाहता है कि हमारा जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है इस शीशे में वो माला पहने हुए दिखाई दे, तिलक लगा हुआ दिखाई दे, तो हम यदि चंदन लेकर के उस प्रतिबिंब के लगाएंगे तो उसके लगेगा, वो तो शीशे पर लग जाएगा। इधर को करेंगे ऐसे हिलेंगे डुलेंगे तो फिर दिखाई नहीं देगा। माला भी शीशा पे पहनाने पर वो प्रतिबिंब को नहीं पहनती है, तो क्या करते हैं, बिंब को सजाते हैं। तो बिंब को सजाने से प्रतिबिंब अपने आप सुशोभित हो जाता है। तो हम जो है जितने भी लोग हैं वो सब प्रतिबिंब हैं और ईश्वर हमारे बिंब हैं, अर्थात हम ईश्वर को माला पहनाएंगे तो हमें भी माला पहनेगी। यदि हम जो है उनको तिलक लगाएंगे तो समाज में हमारी भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तिलक लगेगा। यदि हम उनकी स्तुति करेंगे तो लोग हमारी भी स्तुति और मान प्रतिष्ठा करने वाले लोग मिलेंगे। तो ये जैसा हम उनको करते हैं व्यवहार वैसा ही हमें प्राप्त होता है, ये बिल्कुल सर्वमान्य सिद्धांत है। क्योंकि यथा देहे तथा देवे, तो इसी चीज को देखें, लिखा हुआ है कि सायंकाल को, शाम को, सायंकाल को देवता से सभी श्रृंगार उतार देवे, यानी कि निर्माल्य उतार देवे, तर्जनी और अंगुष्ठ से निर्माल्य का अपनोदन होता है, तो निर्माल्य उतारे ये विधान है। परंतु लिखा हुआ तुलसी दल को भगवान से विलग न करे, अगर बहुत सी तुलसी चढ़ाई है तो कुछ हटा देवे परंतु संपूर्ण तुलसी का वहां से निराकरण न करे। शालग्राम शिला पर भगवान विष्णु पर और जो शंख में चढ़ी हुई तुलसी को कभी अलग नहीं करना चाहिए, सुबह अलग करते हैं स्नान कराते फिर दूसरी चढ़ा देते हैं, ऐसा है। और जितने भी श्रृंगार हैं या और जो भी उपचार हैं संभार हैं उन सबको सायंकाल को हटा देना चाहिए। तो ये सब जैसा व्यवहार अपने किया जाता है वैसे ही देवता पर होता है। हम लोग शयन करते हैं तो लिखा हुआ इन चीजों को अपने पास से हटा देवे, कोई भी व्यक्ति जब शयन करता है तो इनको अपने साथ न रखे। देखिएगा, ये जो है भगवंत भास्कर के आचार्य मयूख में लिखा हुआ है कि निद्रा समय मासाद्या ताम्बूलम बदनात् त्यजेत पर्यंकात प्रमदाम भालात पुंडरम भालात पुंडरम पुष्पानि मस्तकात। ये जो वचन है
कहते हैं कि निद्रा संयम आसाद्य तांबूलम बदनात् त्यजेत। निद्रा का समय जब हो जाए तो बदनात् तांबूलम त्यजेत, तांबूल यदि कोई अपने मुख में रखे हुए हैं तो उसको हटा दे। वह गृहस्थों के लिए तांबूल चरवण के लिए विधान किया गया है, मतलब अनुमति दी गई है। ब्रह्मचारी और सन्यासी तथा विधवा स्त्रियों के लिए तो सर्वथा मना है। गृहस्थ और वो भी जो है महिलाएं इसको ग्रहण कर सकती हैं। 16 श्रृंगार होते हैं, उसमें 16वां श्रृंगार माताओं का तांबूल है, पान है, तो वो खा सकती हैं। परंतु निद्रा समयम आसाद्य बदनात् तांबूलम त्यजे, तो सोते समय पे तांबूल हटा देवे। पर्यंकात प्रमदाम, और अपने पर्यंक से स्त्री को भी सोते समय हटा देवे। वो एक गृहस्थ धर्म की बात अलग है, वो समय पर जो होता है, परंतु ऐसा नहीं है कि वो साथ साथ सोना, साथ में सोने के लिए शास्त्र मना करते हैं। प्रमदाम पर्यंकात त्यजे, प्रमदा माने स्त्री को भी पर्यंक से हटा देना चाहिए। भालात पुंड्रम, सिर से पुंड्र को हटा दे, या ना तो उन्होंने ऊर्ध्व पुंड्र कहा और ना ही जो है त्रिपुंड्र कहा, दोनों ही पुंड्र, पुंड्र माने ऊर्ध्व और त्रिपुंड्र दोनों, तो सोते सोने से पहले अपने तिलक को भी हटा दे। वे पुष्पाद मस्तकात, मस्तकात पुष्पाणी, और अपने माला इत्यादि आपने जो धारण की कर रखी है अथवा बेणी में जो पुष्प आदि लगा रखे हैं तो वो पुष्पों को हटा देना चाहिए। तो इसी प्रकार सभी देवताओं पर, शिवलिंग पर या जो भगवान विष्णु आदि पर जो भी अलंकार प्रिय विष्णु, अलंकार प्रियो विष्णु, भगवान विष्णु अलंकार प्रिय हैं, तो वो अलंकार आदि सायंकाल में वो सब हटा देना चाहिए। भगवान को जब शयन कराते हैं तो मुकुट आदि भी हटा दिए जाते हैं। वृंदावन में आप देख सकते हैं जितने भी जो यहाँ के बड़े बड़े जो है प्राचीन काल से पूजित महापुरुषों से पूजित जो भी यहाँ के ठाकुर हैं, जो भी अर्चा विग्रह हैं, उन सब के जो है श्रृंगार उतार दिए जाते हैं, रख दिए जाते हैं। यहाँ का विधान है कि भाई बंसी भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है तो उनके पास में ही रख दी जाती है, वहाँ से हटा करके पास में रख देते हैं। इस प्रकार यहाँ देव शयन कराया जाता है, तो ये सब विधान है। इसलिए भगवान शंकर के भी सायंकाल को, चाहे भले ही उनको गोपी रूप में या जो है मुखौटा इत्यादि लगा करके या मुकुट लगा करके जो भी प्रदोष काल में श्रृंगार किया गया है, उस सब का अपनोदन करके ही शयन कराना चाहिए। ये ही शास्त्रों का जो है सिद्धांत है, यही शास्त्र प्रमाण है। और भी कई जगह शास्त्र प्रमाण मिलते हैं, महापुरुषों की भी परंपरा में यही शिष्ट है, यही आचरित है, ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, हर हर महादेव।